हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्यामंदिर क्लासेस। ये इस वीडियो के अंदर मैं जो जेई एडवांस 2007 से लेकर के 2018 तक के जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है क्लास 11 से लेवल से उनका डिस्कशन कर रहा हूँ। पहले दो वीडियो में आपने कुछ कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया होगा मेरे साथ में, तो मैंने आई थिंक 2009 तक कम्प्लीट कर लिया था और 2010 के एक या दो क्वेश्चंस हम कर चुके थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है आज इस वीडियो में हम करते हैं और सब्सिक्वेंट वीडियोस में करेंगे। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं तो ये थोड़ा पार्ट्स में हम कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है, अमंग्स द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हुज एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो देखिए, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर रहा है, तो इसका मतलब ये कोई बेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस में अगर हम जितने भी कंपाउंड्स को अगर देखते हैं तो ये सारे सॉल्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो सॉल्ट्स का सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होना चाहिए, सॉल्ट्स का सॉल्यूशन जो है वो एल्कलाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास में कि वी हैव टू सेलेक्ट अ सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीकर एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीकर एसिड। तो जो पहला कंपाउंड है हमारा पोटेशियम साइनाइड, इस पोटेशियम साइनाइड को अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, तो एक तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट को छोड़ दीजिए, आप पोटेशियम नाइट्रेट को छोड़ दीजिए, पोटेशियम क्लोराइड को छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब जितने भी सल्फेट नाइट्रेट क्लोराइड है इनको छोड़ देंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड के सॉल्ट्स हैं। तो पहला हमारा पोटेशियम साइनाइड हो गया, दूसरा हम पोटेशियम सल्फेट को एलिमिनेट कर देते हैं, फिर अमोनियम ऑक्सलेट कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, दोनों ही इसमें वीक पार्ट है, इसको छोड़ देते हैं। सोडियम क्लोराइड भी छोड़ देंगे हम, क्लोराइड जैसे मैंने बता दिया, नाइट्रेट को भी हम छोड़ देंगे, क्लोराइड को भी हम छोड़ देंगे। नाउ K2CO3 को हम ले लेंगे, ये वीकर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस का सॉल्ट है। अमोनियम नाइट्रेट, अगेन नाइट्रेट आर स्ट्रॉन्गर एसिड सॉल्ट्स, और लिथियम साइनाइड को हम कंसिडर कर लेंगे। तो इसके अंदर जो बेसिकली तीन अप्रोप्रिएट सॉल्ट्स मिल गए हमें जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देंगे, एक हो गया पोटेशियम साइनाइड, दूसरा हो गया पोटेशियम कार्बोनेट और तीसरा हो गया हमारा लिथियम साइनाइड। तो इसका जो आंसर है वो 3 होगा, सिंगल डिजिट आंसर कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो ऑफिशियल आंसर जो है इसका 3 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 पेपर 1 से ही है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट परफॉर्म्स अ टाइट्रेशन विद डिफरेंट ब्यूरेट्स एंड फाइंड्स टाइटर वैल्यूज ऑफ 25.2 ml, 25.25 ml एंड 25 ml, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द एवरेज टाइटर वैल्यू इज। देखिए, एवरेज टाइटर वैल्यू अगर हमें निकालनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो पहले तो इन तीनों जो रीडिंग्स है, टाइटर वैल्यूज है, इनको हमें ऐड करके 3 से डिवाइड करना होगा, तो हमें एवरेज वैल्यू तो मिल जाएगी। अब एडिशन के लिए जो हमारा रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, उसमें क्या करना है कि ये जो तीनों आपकी टाइटर वैल्यूज है इनके अंदर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटरमाइन कर लीजिए कितना है। तो 25.2 ml वैल्यूज के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है और 25.25 ml के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है और 25 ml के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है 3 होगा, 25.0 ml है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 3 हो गया। तो अब रूल ये कहता है कि जो एवरेज वैल्यू है उसके अंदर भी आपको क्या करना है, जो कॉमन सिग्निफिकेंट फिगर है, पहले 25.2 का सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, दूसरे वाले का सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, तीसरे वाले का सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो जो कॉमन सिग्निफिकेंट फिगर है दैट विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ आंसर्स। एडिशन जो एडेड वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारा 3 ही कंसिडर करना हमें। तो आप एवरेज निकाल के देखेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको सिग्निफिकेंट 3 के अंदर हमें आंसर करना है। तो बड़ा ईजी क्वेश्चन है, इसके सिंपल से रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के लिए, उनको आप रिवाइज करिए, कम चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चंस का आने का। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से जो एक लैब एक्टिविटी है उसके अंदर हम जो वैल्यूज आंसर्स रिपोर्ट करते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें करना होता है, तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चंस है, तो थोड़ा सा इसको आप और ब्रशअप कर लीजिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स होते हैं। ये इसका ऑफिशियल आंसर 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स शोइंग ओनली 1 नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, तो इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जैसे एल्कली मेटल के लिए एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स के लिए भी एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और हमारे पास में जो हैलोजन्स है उसमें फ्लोरीन जो है उसकी एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऐसे से बहुत सारे हैं, लेकिन इस लिस्ट में से हमें चूज करना है। तो ऑक्सीजन के लिए बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, -1, -2, ठीक है ना, +1,
प्लस टू ऑक्सीजन के फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड है, तो ऑक्सीजन को कंसिडर नहीं करेंगे. क्लोरीन की भी माइनस वन से लेकर के प्लस सेवन तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स नोन होती है, तो क्लोरीन को कंसिडर नहीं करेंगे. फ्लोरीन बीइंग ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा कंपाउंड्स में और वो है माइनस वन, और एक इसकी जीरो होगी. तो हमें उन्हीं एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना जिनके लिए एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. तो एक तो हमारा फ्लोरीन हो गया. नाइट्रोजन के लिए भी माइनस थ्री से लेकर के प्लस फाइव तक बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. सिमिलरली फॉस्फरस के लिए भी माइनस थ्री से लेकर के प्लस फाइव तक मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसके लिए नोन होती है, तो ये भी नहीं होगा. टिन के लिए प्लस टू एंड प्लस फोर होगी. यहाँ पे ग्रुप 14 एलिमेंट है, और थेलियम जो है ग्रुप 13 एलिमेंट है, इसके लिए भी प्लस वन और प्लस थ्री होगी. ऑल्दो इसका प्लस थ्री जो है लेस स्टेबल है, बट एग्जिस्ट तो करता ही करता है. फ्लोराइड्स के साथ में थेलियम प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, तो थेलियम को हमें कंसिडर नहीं करना है. सोडियम को अगर हम देखेंगे तो इसके लिए एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि अल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल है. टाइटेनियम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, तो इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो हमारे दो ही आंसर हो गए. पहला आंसर जो है वो फ्लोरीन होगा और दूसरा आंसर जो है वो सोडियम होगा. तो ये सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो इसमें भी आंसर जो है हमारा दो ही आएगा, और ये आंसर ऑफिशियल आंसर इसका टू है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2010 पेपर टू से है, और ये एक कुछ कर्व टाइप का हमें दे रखा है. कह रहा है वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी अलोंग टू पाथ्स डिनोटेड बाय द सॉलिड एंड द डैश्ड लाइंस एज शोन इन द ग्राफ बिलो. इफ द वर्क डन अलोंग द सॉलिड लाइन पाथ इज डब्ल्यू एस, देन दैट अलोंग द डॉटेड लाइन पाथ इज डब्ल्यू डी. Then the integer closest to the ratio WD by WS is. तो WD by WS का value हमें find out करना है. तो आप curve को अगर अच्छी तरीके से observe करेंगे तो आपको यहाँ पे clearly नज़र आ रहा है कि ये जो हमारा solid line वाला जो curve है ये एक type का reversible process है, और dotted line वाला जो curve है वो एक type का various stages में हो रहा है, irreversible process हो गया यहाँ पे. तो reversible process के लिए अगर हम देखते हैं work done जो है कैसे calculate करेंगे, तो रिवर्सिबल के लिए अगर हम वर्क डन निकालेंगे और ये हमारा W सॉलिड हो गया, तो यू नो दैट माइनस 2.303 NRT log 2 base 10 V2 by V1. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेरियस डेटास को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स तो इसका 1 नज़र आ रहा है हमें, ठीक है. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी हमें डायरेक्टली प्रेशर टेम्परेचर की वैल्यू कहीं पे नहीं गिवन है, बट ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व है और प्रॉपरली स्केल्ड कर्व है. तो यहाँ पे हम ये कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि PV इज इक्वल्स टू NRT होता है हमारा, तो NRT की वैल्यू जो होगी वो PV के बराबर हो जाएगी. यहाँ पे हम PV सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. और प्रेशर अगर हम देखेंगे तो पॉइंट ए पर जो प्रेशर है हमारा वो 4 एटमॉस्फेयर है, पॉइंट ए पर जो प्रेशर है वो 4 एटमॉस्फेयर है, और पॉइंट ए पर जो कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है वो 0.05 वॉल्यूम है. तो ये PV इज इक्वल्स टू NRT होगा. तो NRT की वैल्यू को PV के साथ इक्वेट करेंगे और PV की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास में ये 4 × 0.5 लीटर एटमॉस्फेयर, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई है. तो अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा WS जो होगा माइनस 2.303 इंटू 4 × 0.5. ये देखिए यहाँ पे मैंने NRT की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया लॉग. नाउ V2 अपॉन V1, V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है, और फाइनल वॉल्यूम आप देखेंगे तो पॉइंट B पर है. पॉइंट B पर जो फाइनल वॉल्यूम है वो 5.5 है, तो पॉइंट बी पर जो फाइनल वॉल्यूम है वो 5.5 है, और पॉइंट ए पर जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम था वो 0.5 था. तो ये एक हमारे पास में रिलेशन आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये नियरली अप्रॉक्सीमेटली हम जो है वैल्यू कंसिडर करके आंसर निकाल लेंगे. सो माइनस 2.303 इंटू 4 × 0.5, और ये एक हमारे पास में लॉग 11 टाइप का हो गया. तो डब्ल्यू एस की वैल्यू आ गई हमारे पास में. अब हमें फाइंड आउट करना है कि W डॉटेड जो होगा वो क्या होगा, डैश लाइन वाला क्या होगा इसके लिए. तो यहाँ पे तीन रीजन बने हुए, आप कर्व को ध्यान से देखिए, तीन रीजन बने हुए. मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये तीन रीजन जो है कौन से होंगे. एक तो हमारा ये रीजन हो गया, देखिए आप इसके अंदर स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, एक ये वाला रीजन हो गया, ठीक है.
यहाँ पे हम जो है एरिया निकाल सकते हैं इसका, दूसरा ये वाला रीज़न हो गया और तीसरा जो है हमारा ये वाला रीज़न हो गया इस चीज़ के लिए. तो इस रीज़न के अंदर ये इरिवर्सिबल है, तो हम कह सकते हैं कि W1 प्लस W2 प्लस W3 तीनों के अंदर जो वर्क डन है उसको हम ऐड कर देंगे. नाउ W1 की जो वैल्यू होगी वो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V हो जाएगी, ऐसे ही W2 भी पी एक्सटर्नल डेल्टा V हो जाएगा. तो यहाँ पे W1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए W1 जो A पॉइंट से लेकर के A पॉइंट पे प्रेशर हमारा 4 है, तो ये P एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 4 atm हो जाएगा. और चेंज इन वॉल्यूम जो अगर हम देखेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम जो है 0.5 से 2.0 वॉल्यूम हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा आ गया 1.5. तो ये माइनस 4 इंटू 1.5 लीटर एटमोसफियर हो जाएगा ये. अब ऐसे ही हम W2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो W2 के लिए अगर हम देखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में जो प्रेशर आएगा वो 1 atm आएगा. ठीक है, ये स्केल्ड कर्व है, आप देख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर आ जाएगा ये प्रेशर. और वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो 2 लीटर से ये 3 लीटर हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम जो है 1 का आ गया. तो W2 जो होगा हमारा 1 इंटू 1 हो जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर. अब हमें W3 को देखना है, तो W3 के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर जो है वो एग्जैक्टली स्केल्ड की फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे हम जो है प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं कि प्रेशर क्या होगा हमारे पास में. तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो W3 है, W3 के लिए कुछ प्रेशर होगा माइनस पी एक्सटर्नल, और चेंज इन वॉल्यूम जो है वो हम क्लियरली देख सकते हैं कि वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है हमारा ये आ गया. वॉल्यूम देखिए कॉरस्पॉन्डिंग 3 लीटर है और ये 3 लीटर जो है वो चेंज हो गया 5.5 लीटर के अंदर. तो 3 लीटर से 5.5 लीटर अगर हो रहा है तो ये पी एक्सटर्नल इंटू 2.5 आ जाएगा. अब बस पी एक्सटर्नल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पी वन वी वन इज इक्वल्स टू पी टू वी टू टाइप का एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं. ये जो हमारे पास में जो सेकंड वाला रीज़न है, उस सेकंड वाले रीज़न की मैं बात कर रहा हूँ. देखिए ये जो हमें ये जो हमारा प्रेशर है, ये जो प्रेशर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 3 लीटर जब है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पे ये ध्यान से अगर हम देखेंगे तो प्रॉपरली स्केल्ड फॉर्म में हमें नहीं दिख रहा है. तो देखिए हमें यहाँ पे इस रीजन पे प्रेशर पता है और इस रीजन पे वॉल्यूम पता है इस कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे. तो इस कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा अगर वॉल्यूम हमारे पास में, तो यहाँ पे एक सेट हो गया हमारा पी वन वी वन और इस सिचुएशन के लिए सेट हो गया पी टू वी टू. तो ये हम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमें एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए यहाँ पे. तो ये जो है हमारे पास में सिचुएशन आ जाएगी पी वन वन है और वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है. अब पी टू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और वॉल्यूम जो होगा यहाँ पे ये 3 लीटर हो जाएगा. तो P2 जो आ जाएगा हमारा वो 2/3 आ जाएगा. अब इस P2 को हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, तो ये यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस 2/3 जो कि एक्सटर्नल प्रेशर है इंटू 2.5. ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया लीटर एटीएम में. अब इन सब की वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये W D आ जाएगा हमारे पास में. W D की वैल्यू आ जाएगी, तो इन सबको ऐड कर देना. सो W D डैश्ड पाथ के अलोंग जो वर्क डन है वो हो गया हमारे पास में माइनस 4 इंटू 1.5 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2/3 इंटू 2.5. तो इन सबको आप ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये डब्ल्यू डी आ जाएगा. तो इन सबको ऐड करने के बाद में फिर हम सिंपल सा फाइंड आउट कर लेंगे डब्ल्यू डी बाई डब्ल्यू एस. तो इसको सॉल्व करने से आपका रिजल्ट आ जाएगा. ये सिंपल सा हमारे पास में माइनस वाई ही होगा और ये क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ वैल्यू आ जाएगी इसकी. सो ये 2.5 तो ये माइनस 26/3 कुछ हो गया. तो इनकी वैल्यूज को आप सब्सिट्यूट कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर. तो ये जो है कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं. ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हमारा जो है वैल्यू आ गई थी माइनस डब्ल्यू डी बाय डब्ल्यू एस ही निकालना है. तो हमारा ये माइनस 2.303
into 4 into 0.5 ठीक है log 11, इसको आप अप्रोक्सीमेटली log 10 लेकर के सिंप्लीफाई कर लेना ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में हो सकता है log 11 की वैल्यू गिवन होगी, मेरे पास यहाँ पे नहीं है। तो इस टाइप से हम इसको जो है ये बेसिकली कंपैरिजन है यहाँ पे रिवर्सिबल वर्क डन और इरिवर्सिबल वर्क डन का, एक टाइप से एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे। तो इसका कुछ ऑफिशियल आंसर होगा, आप सॉल्व करेंगे तो वो मैच करेगा इसके साथ डेफिनेटली। तो ये ऑफिशियल आंसर इसका जो कह रहा है वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में एक पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये पैराग्राफ जो है रीड कर रहा है कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज Li2+ इज इन अ स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट S1 विद वन रेडियल नोड। अपॉन एब्जॉर्बिंग लाइट द आयन अंडरगोस ट्रांजिशन टू अ स्टेट S2। द स्टेट S2 हैज वन रेडियल नोड एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। द स्टेट S1 जो है वो क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल सा है ये क्वेश्चन, जस्ट थोड़ा सा इसका जो प्रेजेंटेशन है वो नॉर्मल जो फॉर्म होता है क्वेश्चन का उससे थोड़ा डिफरेंट है, कुछ न्यू लुक टाइप का, स्फेरिकल सिमेट्रिकल स्टेट इस टाइप की कुछ टर्म्स की हुई है। तो ये कह रहा है कि हमारे पास में जो ये हाइड्रोजन एटम है, द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज Li2+ है। सो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज Li2+ इज इन ए स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट S1। ये कोई एक स्टेट S1 है ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज Li2+ के लिए, और ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट का मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास में जो स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है उसकी बात हो रही है। स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट, ये एक हिंट है आपके पास में, स्फेरिकल सिमेट्रिक स्टेट का मतलब ये जो स्टेट है वो कोई एक ns ऑर्बिटल की स्टेट है, और ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर वन रेडियल नोड है, वन रेडियल नोड। तो देखिए ये ns ऑर्बिटल है और उसके अंदर एक रेडियल नोड है, तो पक्का ये हमारा जो है वो क्या हो गया, 2s हो गया। 2s के अंदर ही एक रेडियल नोड होता है, 2s के अंदर ही एक रेडियल नोड होता है। जैसे नंबर ऑफ रेडियल नोड अगर किसी को अगर हम देखते हैं तो ये n-l-1 होता है। तो यहाँ पे स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब जो l वैल्यू है वो क्या हो गई, ये 0 हो गई। तो 1 इज इक्वल्स टू n-0-1। तो अब आप n के लिए सॉल्व करेंगे तो क्लियरली यहाँ से नजर आ रहा है कि n की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, 2 आ गई। तो ये किसी एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट S1 में जिसमें वन रेडियल नोड है, अपॉन एब्जॉर्बिंग लाइट, अब ये लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, आयन अंडरगोस ट्रांजिशन टू ए स्टेट S2, ये स्टेट S2 में इसका ट्रांजिशन हो गया। द स्टेट S2 हैज वन रेडियल नोड, स्टेट S2 में भी एक ही रेडियल नोड है, वन रेडियल नोड, एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब यहां पे ये जो स्टेट S2 की जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर है, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एनर्जी का सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है, एनर्जी जो है किसी भी nth बोर ऑर्बिट के अंदर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो ये स्टेट S2 की एनर्जी जो है गिवन है, तो इसका मतलब स्टेट S2 का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है ये फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये -13.6 इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हम अप्लाई कर लेंगे, ये स्टेट S2 का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी Li2+ के लिए। तो -13.6 -13.6 इंटू 9 अपॉन स्टेट S2 का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये -13.6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है स्टेट S2 का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये जो हमारे पास में या तो कोई 3s ऑर्बिटल होगा या फिर ये कोई 3p ऑर्बिटल होगा, लेकिन ये 3s हमारा रूल आउट हो जाएगा क्योंकि 3s के अंदर जो है वो एक रेडियल नोड नहीं होगा, इसके अंदर 2 रेडियल नोड होंगे, लेकिन 3p के अंदर जो है वो एक रेडियल नोड हो जाएगा इस चीज के लिए। तो ये इस टाइप से जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि ये क्या होगा। तो अब वेरियस क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द स्टेट S1 इज, तो स्टेट S1 हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि ये कोई 2s होगा स्टेट S1। तो ये ऑप्शन के अंदर आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन बी के अंदर देखिएगा
द स्टेट एस वन कह रहा है, तो स्टेट एस वन जो हमें दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन बी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर चेक करेंगे ऑफिशियल आंसर तो ये आ जाएगा। अब इसमें तीन क्वेश्चंस कह रहा है ये, तो पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनर्जी ऑफ द स्टेट एस वन इन यूनिट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी। स्टेट एस वन की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए हमें ये पता लग गया है कि स्टेट एस वन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। तो स्टेट एस वन की जो एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर फाइंड आउट करना है हमें, तो ये जो -13.6 है दैट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ इक्वेट कर दिया, इसका जो z होगा वो 3 होगा, तो ये हमारे पास में 9 आ जाएगा। और स्टेट s1 का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 है, तो ये आ जाएगा 9/4 आ गया ये। तो अब आप चेक कर सकते हो कि ये जो है हमारी स्टेट 1 की जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो हाइड्रोजन की एनर्जी है उसका 2.25 टाइम्स हो जाएगा। तो 2.25 टाइम्स ऑफ द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये ऑप्शन सी जो है नजर आ रहा है एज ए करेक्ट आंसर इसके अंदर। एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ स्टेट एस टू, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट एस टू हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा स्टेट एस टू एस का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ये 3p आ गया। अदरवाइज आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि स्टेट एस टू के अंदर 1 रेडियल नोड है और स्टेट एस टू का हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड आउट किया है। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड 1 है और n माइनस l माइनस 1 के साथ हम रिलेट करेंगे, तो ये जो हमारे पास में n की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी है, तो 1 = 3 - l - 1 के बेसिस पे हमें l की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास में जो है 1 = 2 - l हो जाएगा, तो l जो आएगा हमारे पास में वो 2 - 1 आ जाएगा। तो इसका जो एज्यूमिथल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो ये हमें ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। चेक कर लेते हैं क्या है इसका ऑफिशियल आंसर। ये ऑफिशियल आंसर इसका बी हो गया आपके पास में, देखिए। तो ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा है, थोड़ा प्रेजेंटेशन इसका डिफरेंट है, बट सिंपल जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसे इजीली ये सॉल्व हो रहा है। सो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड डूएबल क्वेश्चन। इसमें अच्छा यूज किया गया है रेडियल नोड्स का, एनर्जी का और क्वांटम नंबर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का जो क्वेश्चन पेपर है उससे है, और ये पेपर 1 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं उसके वेरियस पॉस्टुलेट्स होते हैं, उन पॉस्टुलेट्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप चेक करेंगे तो इजीली आपको आंसर इसका समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है। सो कोलिजन्स आर ऑलवेज इलास्टिक, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। हैवियर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर मोर मोमेंटम टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स को हैवियर या लाइटर मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। नॉर्मली हमारा यही कहता है कि इसके अंदर जो उनका मोमेंटम है वही रहेगा, मोमेंटम में लॉस जो है बिल्कुल नहीं होता है। ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई वेलोसिटी, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक स्टेटमेंट है। इसी के बेसिस पे जो है ये मैक्सवेल मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज हम पढ़ते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बिटवीन कॉलिजन्स द मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटीज, ये जो बिल्कुल ठीक है, मोमेंटम का जब लॉस नहीं होगा तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। सो ए करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी करेक्ट ऑप्शन है। ऑफिशियल आंसर क्या है चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में ए सी एंड डी ऑफिशियली करेक्ट आंसर है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द टू टाइप्स ऑफ सल्फर एटम्स इन सोडियम टेट्राथायोनेट Na2S4O6, डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द टू टाइप्स ऑफ सल्फर एटम। अब यहाँ पे आप सिंपल सा डायरेक्टली अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर बी एक्स, तो वो बेसिकली जो चार सल्फर एटम है इनकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। बट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि यहाँ पे जो सल्फर एटम है, ठीक है, दो टाइप के सल्फर एटम है, इनकी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, उसका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना। तो बेसिकली हमें इसके स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रक्चर के नॉलेज के बेसिस पे ही हम इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर्स जो है आपको पता होगा इसका, ठीक है,
मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसका क्या करेंगे, वो पार्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. तो आइए नो कि आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ रखा है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है. ये वही कंपाउंड है जो आयोडीमेट्री के अंदर आप यूज करते हो. तो इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो NaO सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और सल्फर एंड सल्फर सिंगल बॉन्डेड रहेंगे, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड O Na. ये इसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. तो इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो ये जो सल्फर ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, इन दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस फाइव होगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ फाइव बॉन्ड्स बना रहे. और ये जो हमारे पास में सल्फर है जो आपस में बॉन्डेड है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो हो जाएगी. तो ये इनकी हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई. अब ये दो टाइप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इनका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो फाइव है और जीरो है, इसका डिफरेंस फाइव आएगा. तो इसका ऑफिशियल आंसर हमारा फाइव होगा और वो फाइव है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. और ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल्स टू थ्री एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms equals to minus half. तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थ्री की बात कर रहा है. तो इसका मतलब ये थर्ड एनर्जी लेवल की बात कर रहा है. और थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर जो हमारे पास में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो 2n स्क्वायर के हिसाब से 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. 2n स्क्वायर के हिसाब से 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. तो इसका मतलब थर्ड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और इन 18 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दो ही होंगी, कुछ की प्लस हाफ होंगी और कुछ की माइनस हाफ होंगी. एग्जैक्टली 50% इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो माइनस हाफ होगा और रिमेनिंग 50% का जो है वो प्लस हाफ होगा. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. तो देखिए थर्ड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इन 18 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो प्रिंसिपल स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ होगा. तो इन 9 इलेक्ट्रॉन्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा, इन 9 इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ होगा. ठीक है, और किसी क्वांटम नंबर की ये बात कर नहीं रहा. तो इसका आंसर सिंपल सा हमारा 9 हो जाना चाहिए और वो 9 ऑफिशियल आंसर नजर आ रहा है आपको. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स इज लिस्टेड बिलो. द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल इज. तो देखिए आपका बड़ा सिंपल सा है, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए. सो एनर्जी ऑफ रेडिएशन अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में सिंपल सा जो एक फॉर्मूला आपको क्लास में बताया जाता है कि उसको आप लर्न करके रखिए शॉर्टकट के अंदर. अदरवाइज तो जो हमारे पास में फॉर्मूला है वो HcY लैम्डा होगा. और इसको हम क्लास में आपको ये बताते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके रखो, 1240 बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर अगर हम पुटअप कर देंगे तो ये हमारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगी. तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो 1240 बाय 300 नैनोमीटर के हिसाब से ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा. तो रफली जो है ये हमें 4 के आसपास नज़र आ रहा है. तो इसका जिसका भी वर्क फंक्शन जो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होना चाहिए. एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होना चाहिए. तो एनर्जी जो है वो नियरली 4 के करीब आ रही है. तो इसका मतलब जिसका भी वर्क फंक्शन 4 से लेस है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा. तो यहाँ पे 4 से लेस में लिथियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है इसके लिए. ठीक है, तो एक तो ये कैलकुलेशन हो गई. बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये बेसिकली हम नॉर्मली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो मेटल्स यूज करते हैं वो सबसे ज़्यादा जो ईजीली आयोनाइजेबल मेटल्स हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं. तो उसमें एक तो हमारा एल्कली मेटल्स तो सारे आते ही आते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को भी यूज़ कर देते हैं. बेस्ट जो होता है वो सीजियम होता है इस के लिए. तो उस लॉजिक के बेसिस पे अगर मैं देखता हूँ तो जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते हैं. बट यहाँ पे टू बी ऑन सेफ साइड, बड़ी इजी कैलकुलेशन है, हम कैलकुलेशन करके भी इस क्वेश्चन का आंसर देना ही चाहिए. लेकिन यहाँ पे एक मैंने जस्ट आपको हिंट दिया है कि आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इजीली शो कर, 300 नैनोमीटर वेवलेंथ है इसके अंदर, कोई बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास में एनर्जी होगी नहीं यहाँ पे. तो ये जो है रफली हमारा फर्स्ट 4 जो है इन्हीं के अंदर आएगा. बाकी ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल इतना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं. तो ये इस क्वेश्चन का हमारा ऑफिशियल आंसर जो है वो 4 होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 2N, ये 2011 का पेपर 1 से. टू एन इवेक्यूएटेड वेसल द
to an evacuated vessel with movable piston under external pressure of 1 atmosphere, 0.1 mole of helium and 1 mole of an unknown compound, vapor pressure jiska 0.68 atmosphere at 0 degree Celsius per are introduced. Considering the ideal gas behavior, the total volume of the gases at 0 degree Celsius is close to. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है बेसिकली सिंपल कैलकुलेशंस है. सो टू एन इवैक्यूएटेड वेसल विथ मूवेबल पिस्टन अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, 0.1 मोल ऑफ हीलियम एंड 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड जिसका वेपर प्रेशर गिवन है आर इंट्रोड्यूस्ड. तो ये सिंपल से इसमें हम ऐसे विजुलाइज कर लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई एक वेसल रहा होगा जिसके अंदर ये हमने एक कोई कंपाउंड जो है प्लेस कर दिया. इस कंपाउंड का वेपर प्रेशर जो है गिवन है, कंपाउंड का वेपर प्रेशर है वो 0.68 एटमॉस्फेयर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और साथ में जो है हमने हीलियम प्लेस कर दिया और इसमें एक मूवेबल पिस्टन हमने प्लेस कर दिया. तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये हीलियम के मोल्स है, हीलियम गैस है और इसका जो है 0.1 मोल है एंड 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का हमारे पास में 1 मोल है. ठीक है, कंपाउंड का वेपर प्रेशर दिया हुआ है. अब ये लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, कुछ नहीं पता क्या है. और यहाँ पे ये कह रहा है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर है. तो ये जो भी 1 एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल प्रेशर है इसमें से 0.68 प्रेशर तो जो है वो इस कंपाउंड की वेपर का ही होगा. तो इसका मतलब जो हीलियम का प्रेशर है यहाँ पे, हीलियम का जो पार्शियल प्रेशर है वो हो जाएगा 1 - 0.68 एटमॉस्फेयर. हीलियम का पार्शियल प्रेशर हमें आ गया. तो अब यहाँ पे जो मेजर जो वॉल्यूम होगा वो हीलियम गैस का ही होगा सिग्निफिकेंटली, और इसी के अंदर कंपाउंड की वेपर्स जो है वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी. तो हम यहाँ पे आइडियल गैस बिहेवियर अगर यूज करते हैं तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी आ जाएगा हमारे पास में. तो वॉल्यूम तो ये दोनों ही ऑक्यूपाई करेंगे, कंपाउंड की वेपर्स भी यही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी और हीलियम के जो मोल्स हैं वो भी यही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी. लेकिन अब मैं मोल्स यहाँ पे अगर हीलियम के लेता हूँ तो फिर ये हीलियम का पार्शियल प्रेशर होगा. अगर मैं मोल्स यहाँ पे टोटल लेता हूँ तो फिर ये टोटल प्रेशर होगा. तो यहाँ पे हमें इस कंपाउंड का 1 मोल दिया हुआ है और उसका वेपर प्रेशर, इसका मतलब पूरा का पूरा 1 मोल इस कंपाउंड का वेपोराइज नहीं हो रहा है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स इसके वेपोराइज होंगे. तो वह कुछ ही मॉलिक्यूल जब वेपोराइज होंगे, इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, तो कितने होंगे ये हम जो है कुछ कैलकुलेशन, ये वेपर प्रेशर दे तो रखा है लेकिन हम कैलकुलेट अगर करना चाहेंगे तो हमें और भी कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई कर लिया. वॉल्यूम तो इस कंपाउंड की वेपर्स का वॉल्यूम और हीलियम का वॉल्यूम सेम ही होगा. टेम्परेचर यही हम 0 डिग्री सेल्सियस कंसिडर कर लेते हैं. अब मैं जैसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ये हीलियम के मोल्स लेता हूँ तो ये हीलियम का पार्शियल प्रेशर होगा. हीलियम का पार्शियल प्रेशर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है और वो आ जाएगा हमारे पास में 0.32. ठीक है, और हीलियम के जो मोल्स हैं वो 0.1 मोल्स हैं. ठीक है, आर की वैल्यू हम 0.0821 ले लेते हैं और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, तो ये हमारे पास में वेसल का वॉल्यूम आ जाएगा. तो इस वेसल के वॉल्यूम के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0.1 इंटू 0.0821 इंटू 273 अपॉन 0.32. तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर. यहाँ पे हमने प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लिया है और वॉल्यूम को लीटर में फाइंड आउट करना चाहते हैं. जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल वॉल्यूम लीटर में जो है वो क्या है, तो ये वॉल्यूम हमारा लीटर में निकल आएगा. इसकी कैलकुलेशंस करके आप चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा क्या आने वाला है. तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं हम क्विकली. तो ये 7 के करीब कुछ कुछ आ रहा है. तो हम ऑफिशियली क्या आंसर है उसका चेक कर लेते हैं. तो ऑफिशियल आंसर को अगर आप देखेंगे तो ये आंसर 7 है. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें एक कंफ्यूजन सा क्रिएट करने के लिए कंपाउंड डाल दिया, उसका वेपर प्रेशर दे दिया और जिससे आपको लगेगा यार कंपाउंड की वेपर्स के भी कुछ मोल्स होंगे, है ना. बिल्कुल होंगे, लेकिन उसको हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप में, जैसे मैंने बताया था, वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही होगा. गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है,
उसको जितना आप स्पेस दोगे वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, तो कंपाउंड की वेपर्स भी वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, हीलियम गैस जो है वो भी वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो दोनों के लिए वॉल्यूम तो सेम ही होगा, बट इन दोनों का अपना जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा और वो इनके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट लगा करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये हम एक 2011 पेपर 2 में मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। तो इस मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन है और इनको कॉलम 2 के अंदर कुछ रिजल्ट्स गिवन है, कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है इन ट्रांसफॉर्मेशंस की, उसके साथ हमें रिलेट करना है। तो हम इसको रिलेट कर लेते हैं, देखिए क्या रिलेशन आता है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें आप जानते हो कि एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव कब होगा, डेल्टा एस नेगेटिव कब होगा। बस एक ये जो है फेज ट्रांजिशन आपको देखना है। फेज ट्रांजिशन का मतलब है कि द डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए सब्सटेंस विच एग्जिस्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो उसको वो एक टाइप से फेज ट्रांजिशन कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो ए ऑप्शन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेज में जा रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो ये एक टाइप का फेज ट्रांजिशन है, ये एलोट्रॉपिक चेंज नहीं है। और सॉलिड से गैस में जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो डेल्टा एस इसका पॉजिटिव हो जाएगा। सॉलिड से गैस जब जाएंगे तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी, है ना, मैनी गैस पार्टिकल बन रहे हैं, गैस की एंट्रोपी सॉलिड के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे डेल्टा एस जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए के लिए जो अप्रोप्रिएट हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं वो ये फेज ट्रांजिशन है, एलोट्रॉपिक चेंज नहीं है, इसका डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है और डेल्टा एस जो है वो भी इसका पॉजिटिव है, तो ये पी आर एस आ जाएगा ए के लिए। बी के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक केमिकल चेंज है, तो इसको फेज ट्रांजिशन नहीं कह सकते हैं। सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में जा रहा है बट डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में जा रहा है, तो ये एक केमिकल चेंज है, फेज चेंज इसको हम नहीं कहेंगे। इसके यहाँ पे जो है हमारे पास में फेज चेंज नहीं होगा और ये एलोट्रॉपिक चेंज भी नहीं है। नाउ डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो डिकम्पोजिशन जो होते हैं वो जनरली एंडोथर्मिक होते हैं, तो डेल्टा एच इसका पॉजिटिव हो जाएगा और गैसेस प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए डेल्टा एस जो है वो भी इसका पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ आर और एस आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि फेज ट्रांजिशन ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक केमिकल चेंज हो गया है। फेज में भी केमिकल चेंज होता है, ठीक है वो, लेकिन उसको फिर हम एलोट्रॉपिक चेंज कहेंगे, केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होता, फेज ट्रांजिशन के अंदर केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। नाउ सी के अंदर दो हाइड्रोजन रेडिकल जो है कंबाइन करके एक हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो अगेन वो भी गैस फेज है, दो हाइड्रोजन रेडिकल गैस फेज में ही रहेंगे और ये भी गैस फेज है, तो ये फेज ट्रांजिशन नहीं है और ये एलोट्रॉपिक चेंज भी नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन रेडिकल और हाइड्रोजन गैस आर नॉट टू डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, तो ये पी नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्यू नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन रेडिकल के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, तो आर ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। नाउ दो पार्टिकल से एक पार्टिकल बन गया, तो रैंडमनेस यहाँ पे कम हो रही है, डिसऑर्डर कम हो रहा है यहाँ पे, तो डेल्टा एस जो है इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ एक ही मैच करेगा, डेल्टा एस इज नेगेटिव। डी ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो डी ऑप्शन के अंदर हमारे पास में सॉलिड वाइट फॉस्फरस है और ये रेड व्हाइट फॉस्फरस में कन्वर्ट हो रहा है विच इज ऑल्सो सॉलिड, तो ये एक तो डिफरेंट फेजेज है, रेड फॉस्फरस और व्हाइट फॉस्फरस डिफरेंट कंडीशंस में एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये एक फेज ट्रांजिशन होगा और यहाँ पर जो है वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं ये दोनों, तो फेज ट्रांजिशन है और एलोट्रॉपिक चेंज भी है। अब यहाँ पे हमें एंट्रोपी और एंथैल्पी को चेक करना है, तो देखिए जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है हमारा उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जो फॉर्मेशन जो होता है ये पी फोर है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में व्हाइट फॉस्फोरस है ये और ये यहाँ पे पी फोर ही बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एन पार्टिकल कंबाइन करके ये जो है पॉलीमेरिक फॉर्म में आ जाता है, एन बन जाएगा, सॉलिड है ये, रेड फॉस्फोरस है। व्हाइट फॉस्फरस का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होता है वो जीरो होता है बाय डेफिनेशन, बट ये जो है वो लेस स्टेबल फॉर्म होती है व्हाइट फॉस्फरस के लिए। नाउ रेड फॉस्फरस का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन होगा वो नेगेटिव होगा बिकॉज दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल कंपेयर टू रेड व्हाइट फॉस्फरस, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जाने पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये जो कन्वर्जन ऑफ व्हाइट
फॉस्फरस टू रेड फॉस्फरस जो होगा वो एक टाइप का एक्सोथर्मिक फिनोमिना होगा, इसका जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव होगा. नाउ अब यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि मेनी पार्टिकल कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म वन बिग पार्टिकल, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या हो रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं. तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होंगे तो डिसऑर्डरनेस कम होगा, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी. तो डेल्टा एस इसका जो है वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया. तो देखिए इसको वापस से देख लेते हैं कि वाइट फॉस्फरस का रेड फॉस्फरस में जो कन्वर्जन है वो एक फेज ट्रांजिशन है, ठीक है, और ये एक एलोट्रॉपिक चेंज भी है, लेकिन ये एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी इसके अंदर जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो इसके अंदर हम नेगेटिव डेल्टा एस नेगेटिव को कंसिडर करेंगे. तो ये जो है मेरे हिसाब से इसके करेक्ट ऑप्शन होने चाहिए. तो हम ऑफिशियल आंसर क्या है इसका चेक कर लेते हैं. ऑफिशियल आंसर कह रहा है ए के लिए पी आर एंड एस है, तो हमारे हिसाब से भी ए के लिए पी आर एंड एस है. बी के लिए आर एंड एस है, तो ये भी हमारे लिए आर एंड एस है. सी के लिए ओनली टी है और डी के लिए पी क्यू एंड टी है, तो ये पी क्यू एंड टी हमने यहाँ पे कर लिया. तो ये इस टाइप से हमने 2011 तक के जो वेरियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका एक एनालिसिस किया है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे. थैंक यू वेरी मच.